हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एल डब्ल्यू डी जॉब में काफी अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है परमानेंट तो पोस्ट रहने वाली है बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा से यह वैकेंसी जारी की गई है एप्लीकेशन फीस भी नहीं लग रही है सभी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन कर सकेंगे सैलरी गवर्नमेंट पे स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखी गई है डी वाले बी वाले बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट मेन वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा इसके साथ में नोटिफिकेशन भी वहीं देखने को मिलेगा सबसे पहले जो है स्कूल की मेन वेबसाइट पर ही जो है विजिट करेंगे बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा तो यहां पर जो है ये स्कूल की बिल्डिंग है देख सकते हैं ये प्रिंसिपल है मीनू गोस्वामी जो रेगुलर बेस पर जो है वैकेंसी है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस आपको नजर आएगा इसमें सबसे नीचे करियर्स विद वी पी एस बाल भारती पब्लिक स्कूल इस पर क्लिक करना है तो ये देखिए यहां पर हर पोस्ट की वैकेंसी है सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है अप्लाई कैसे करेंगे तो क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज इन मार्च 2024 इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिलेगा इसे आप लोग फिल करेंगे ऑनलाइन ही जो है फिल करना है कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी तो ये जो है मैं आप लोगों का अभी स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दूंगी सबसे पहले जो है पोस्ट देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट की है किस पोस्ट में वैकेंसी पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फाइन आर्ट की वैकेंसी है बहुत सारे कैंडिडेट जो कि म्यूजिक में फाइन आर्ट ड्रॉइंग में जो है पूछते रहते हैं कि वैकेंसी अगर आती है तो बिल्कुल बताई जाए क्योंकि फाइन uh, आर्ट की ड्रॉइंग की वैकेंसी बहुत कम नजर आती है तो ये काफी अच्छी वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट फाइन आर्ट में यहाँ पर चाहिए बस इतना ही टी जी टी सोशल साइंस ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस की वैकेंसी है ग्रेजुएशन आपने किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और साथ में जो है बी मांगा गया है सी टैट या कोई राज्य का टैट जो है वो कंपलसरी नहीं है अगर आपके पास है तो और भी अच्छा है ऐसे कैंडिडेट जिनका सी टेट एस टेट क्लियर है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी बाकी कंपलसरी नहीं है केवल ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में बी एड टी डांस की वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डांस में ये तीनों ही जो हैं परमानेंट हैं रेगुलर बेस पर है ठीक है ध्यान में रखना है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है ये सभी परमानेंट वैकेंसी हैं असिस्टेंट टीचर में मैथ इंस्ट्रूमेंटल मैथ्स एंड साइंस जिसमें ग्रेजुएट ऑनर पोस्ट ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट में जो है आप या तो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो और अगर आपने बी किया है या फिर आपने बी किया है बी किया है या बी किया है बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट टीचर्स के लिए असिस्टेंट टीचर प्री प्राइमरी जिसमें सभी सब्जेक्ट की वैकेंसी है प्री स्कूल टू क्लास सेकेंड ठीक है तो क्लास सेकेंड से, सेकेंड तक यहां पर टीचर्स की वैकेंसी है सभी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में बीलेड बी एड या प्री प्राइमरी डिप्लोमा वाले एन वाले बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे उसके बाद कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर अब ये जो की वैकेंसी है केवल एक यही वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है बाकी ऊपर आपने जितनी भी वैकेंसी देखी है पीजीटी टीजीटी असिस्टेंट टीचर असिस्टेंट टीचर प्री प्राइमरी सभी रेगुलर बेस में है परमानेंट है स्टेम कोऑर्डिनेटर के लिए बीटेक या एम एस सी इलेक्ट्रॉनिक में या कंप्यूटर साइंस विद नॉलेज अबाउट रोबोटिक एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस तो स्टेम कोऑर्डिनेटर की जो है देख लें जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बाकी जो है यहाँ पर टी जी टी पी जी टी पी आर टी एन टी टी में जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करिएगा यहाँ पर लिखा है पोस्ट नंबर वन टू फाइव एज लिमिट एंड पे स्केल एज पर गवर्नमेंट रूल्स ठीक है एज मतलब, पर रूल्स मतलब गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी रहेगी यानी आप यहाँ पर जो है आ, लगा सकते हैं कि जो प्री प्राइमरी टीचर्स की जो सैलरी है वो थर्टी थाउजेंड तो रहेगी ही ठीक है जिस तरीके से डीपीएस में एनवीएस में केवीएस वी एस में आ, जो है सैलरी रहती है अभी जो है यहाँ पर पोस्ट नंबर वन टू फाइव लिखा हुआ है इन्होंने जो है यहाँ नंबरिंग गलत कर दी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स नंबर पर जो है इस टाइम कोर्डिनेटर है और पोस्ट नंबर सिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है ठीक है बाकी सभी जो है परमानेंट है यहाँ पर इन्होंने लिखा है ऐसे कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस है और सी टेट क्वालिफाई हैं ऐसे कैंडिडेट को जो है प्रेफरेंस मिलेगी तो ये नंबरिंग देखकर जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर जो है सीरियल नंबर सिक्स जो है स्टेम कोऑर्डिनेटर है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अभी इन्होंने लिखा है एक तो आप लोगों को फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है अभी हम देखेंगे फॉर्म में क्या दिया हुआ है बहुत अच्छे से भरिएगा कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल फॉर इंटरव्यू केवल इंटरव्यू रहेगा रिटर्न एग्जाम भी नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा दिया है इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा यहां पर देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर 2024 स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये देखिए जैसे पीजी टीजीटी सोशल साइंस अब देख लेते हैं अप्लाई करने के लिए आप लोगों को फॉर्म में क्या दिया हुआ है एक एक स्टेप मैं आप लोगों को यहां पर बता देती हूं ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो किसी भी कैंडिडेट से बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा 2024 रिक्रूटमेंट फॉर्म पोस्ट अप्लाइड फॉर तो स्टार लगा हुआ है यानी कंपलसरी है इसे आप फिल ही करेंगे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस पर क्लिक कर देंगे एप्लीकेंट डिटेल सी टेट आपका क्लियर है या नहीं है अगर क्लियर है तो इस पर क्लिक कर देंगे अगर नहीं है तो इस पर क्लियर क्लिक कर देंगे ये स्टार जो लगा हुआ है हर पॉइंट में तो आपको ये फिल ही करना है कंपलसरी है नेम डालेंगे अपना फर्स्ट नाम डालेंगे ठीक है जैसे कि किसी का जो है राधे श्याम राधे श्याम तिवारी ही समझ लीजिए तो राधे और श्याम और तिवारी इस तरीके से जेंडर मेल है या फीमेल है तो उस पर क्लिक करेंगे डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर आप लोगों को लिखनी है मंथ तो, एक एक स्टेप जो है वो आप समझ समझते चलिए क्योंकि यहां पर मिस्टेक कर देते हैं तो आपको जो है कॉल नहीं आता है इंटरव्यू के लिए मोबाइल नंबर बिल्कुल कंपल्सरी है लिखना एनी अदर कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई और कॉन्टेक्ट नंबर है तो आप लिख भी सकते हैं इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं ठीक है थीके? क्योंकि इस पर स्टार्ट नहीं लगा है ई मेल एड्रेस जरूर देना है जिन्होंने अभी तक जो है मेल आई डी नहीं बनाया है तो बना लें कन्फर्म ई मेल एड्रेस इसी को दोबारा से लिखना है आधार नंबर लिखना है आधार कार्ड में से पैन नंबर लिखना है पैन कार्ड में से नेक्स्ट जो है करंट एड्रेस आप लोगों को यह फिल करना है उसके बाद जो है इफ परमानेंट एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम करंट करस्पॉन्डिंग एड्रेस इसे आप छोड़ दें ठीक है नेक्स्ट जो है मैरिड है या अनमेरिड है तो ये आप क्लिक करें फादर नेम हस्बैंड नेम लिखें अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड नेम लिखें अनमैरिड है तो कि फादर नेम इफ मैरिड नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ लिख सकते हैं अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं अकेडमिक क्वालिफिकेशन देखिए स्टार लगा हुआ है सभी में सभी आपको लिखना है ग्रेजुएशन आपने कहा से की है कॉलेज का नाम लिखना है सब्जेक्ट कौन सा है आपका परसेंटेज डिवीजन कौन सी है पोस्ट ग्रेजुएशन का करना है ठीक है ये सब हो गया प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपने बी किया है बीटीसी किया है डील किया है एन किया है क्या आपने किया है तो उसके बारे में आपको फिल करना है एक्सपीरियंस में देखिए स्टार नहीं है जिनके पास है तो वो तो फिल कर दें जिनके पास नहीं है तो इसको पूरा ब्लैंक छोड़ दें ठीक है ये पूरा छोड़ दें जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये पूरा छोड़ देंगे बस इतना ही करना लास्ट में कर देना है सबमिट ठीक है जब आप पूरा कर लेंगे तो ही जो है ये सबमिट होगा अदरवाइज सबमिट नहीं होगा तो मैंने आपको जो है बिल्कुल सही तरीके से समझा दिया है कि जहां पर स्टार है उस कॉलम को आप बिल्कुल भरेंगे नहीं तो सबमिट नहीं होगा और आपको जो है कॉल भी नहीं आएगा इंटरव्यू के लिए आप बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि मैम फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है या फॉर्म भर दिया है फिर भी जो है कॉल नहीं आया तो उसका केवल एक ही कारण रहता है क्वालिफिकेशन आपके पास है काफी अच्छी जो भी इन्होंने मांगा है वो आपके पास है फिर भी जो है इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया तो उसका कारण जो है एप्लीकेशन फॉर्म सही से ना भरना तो इसका लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा स्कूल की मेन वेबसाइट का ताकि आप लोग जो है आसानी से फॉर्म फिल कर सकें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां आप देखिए एल आई एन के लिंक आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा उसके आगे आ, लिंक होगा उसी पर क्लिक करना है डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे इतना ईजी वे में जो है समझा दिया गया है आप लोगों को जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं थैंक यू